वैसे आप जिस तरीके से कल भी आपने सवाल उठाए थे कि और ये भी कहा था कि ये जो हो रहा है प्रदेश की स्थिति काफ़ी भयावह है, गंभीर है, और ये फोन टेप कर रहे, कल गृह मंत्रालय ने भी राजस्थान के मुख्य सचिव से बात की है, तो लीगली अगर हम देखें तो कितना एथिकल माना जाता है जो इन्होंने किया है ये? क्या है कि फोन टेपिंग सरकार चाहे, सरकार का कोई डिपार्टमेंट चाहे, सरकार को अगर सुरक्षा की दृष्टि से कोई बाकी चीज़ों की दृष्टि से आवश्यक हो तो करने का अधिकार है, लेकिन होम डिपार्टमेंट में ध्यान में लाने के बाद, उनके द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद किया जा सकता है, बिना उनकी स्वीकृति के और बिना उससे कोई भी नहीं कर सकता। और प्राइवेट व्यक्ति तो किसी भी तरह से बिना जानकारी के कर ही नहीं सकता, और करेगा भी तो कोई अधिकृत नहीं। तो एक जो इन्होंने क्या है इलीगल कृत्य कहा है कि इन्होंने वो जो कुछ किया वो बिल्कुल नियमों के विरुद्ध किया है, और जो लोकेश शर्मा नाम का कोई व्यक्ति है जिसने इसको किया है, और मुख्यमंत्री जी के पुलिस जी बताए जाते हैं, उन्होंने बिल्कुल कानून की धज्जियां उड़ा के किया है जिसका उन्हें अधिकार ही नहीं था। और अधिकार अगर कोई इमरजेंसी में होता भी है तो आईजी लेवल के अधिकारी को भी अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उसको सूचना देने के बाद, उसकी स्वीकृति के बाद विभाग कर सकता है। तो भाई साहब ये भी कहा जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट की बातें सामने निकल कर आ देखो, रही है। मैंने मैंने पहले दिन कहा कि इस समस्या का समाधान जिस दिन भी होगा उस दिन फ्लोर टेस्ट के द्वारा ही होगा। अब यह है कि राज्यपाल ही इसके बारे में अपना निर्णय कर सकते हैं, अभी तक राज्यपाल ने इस बारे में अपनी कोई बात कही नहीं है। एक दूसरा क्या है कि हाईकोर्ट में जो केस इस समय चल रहा है 19 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के बारे में, स्पीकर को जो नोटिस था उस पर सुनवाई चल रही है, वो फैसला होने के बाद मैं सोचता हूँ इस बारे में कोई आगे बढ़ने का रास्ता खुलेगा। तो सर बीजेपी की तरफ से अभी तक तो कोई फ्लोर टेस्ट देखो, की मांग नहीं। बीजेपी ने पहले भी फ्लोर टेस्ट के लिए ना हमने मांग की, ना हम अभी भी नहीं कर रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि हम इनकी इस लड़ाई को देखने का काम कर रहे हैं, जब राइट समय आएगा, जब हमको कुछ करना है या हम कुछ कर सकते हैं तो हम लोग बैठकर विचार करके उस लाइन में आगे बढ़ने का काम करें। अभी हमारा कहीं का रोल नहीं है, ये तो ज़बरदस्ती घसीटे जा रहे हैं हमको, घर की लड़ाई को हमारे माथे लादने का प्रयास कर रहे हैं, बाकी कहीं कुछ है नहीं। सर एक अंतिम सवाल, प्रदेश में कोरोना की स्थितियां बढ़ती जा रही है, हालात खराब है, हाँ, लेकिन ये लोग बाड़े बंदे होटलों में फिल्म देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी देखो रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि देश की जनता हम सब राजनेताओं के एक्शन को देख रही है, और इस समय प्रदेश में जैसी स्थिति चल रही है, एक तरफ कोरोना की महामारी है, दूसरी तरफ जो रोजगार पर जिस प्रकार का हुआ है, लोग परेशान हैं आज की दृष्टि में अपनी रोजी रोटी के लिए, ऐसे समय में सरकार का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति इसके बारे में कोई बात करने को भी तैयार नहीं है। यह राजस्थान की जनता को सबसे ज़्यादा पीड़ा है। मैं सोचता हूँ कि इसके बारे में किसी होटल में बंद होने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा, इसका समाधान तो फ्लोर कट ऊपर ही होगा। अब इसमें जितना जल्दी कर सकते हैं उतना जल्दी करके इसको निपटाएं ताकि जनता की सुध बुध कोई ले सके।